दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पदोन्नति में आरक्षण मामले का प्रदेश सरकार ने निकाला तोड़। आईएएस अफसरों की तर्ज पर विभिन्न विभागों के अफसरों को दी जाएगी क्रमोन्नति। क्या है पूरी खबर, हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण के निपटारे के लिए क्रमोन्नति का रास्ता चुनने का निर्णय लिया है। इससे शासकीय सेवकों के साथ पदोन्नति में आरक्षण मामले की वजह से होने वाली विसंगतियों का निपटारा हो सकेगा। इसके बाद से सिविल सेवा व राज्य सेवा के अफसरों की तरह विभिन्न विभागों के अफसरों को क्रमोन्नति प्रदान की जाएगी। GAD से नियम जारी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था से मध्य प्रदेश के उन हजारों शासकीय सेवकों को लाभ मिलेगा जो बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण का मामला काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वर्ष 2016 के बाद से हजारों की संख्या में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो गए किंतु उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। इस मामले की वजह से कई बार सरकारों के सामने असमंजस की स्थिति निर्मित हुई किंतु न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण इस पर कुछ नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश सरकार के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को इसका लाभ देने की संभावना है। बताते हैं कि शासकीय सेवक काफ़ी लंबे समय से क्रमोन्नति की मांग करते आ रहे हैं। अब जाकर सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर कुछ निर्णय लिया है। यह निर्णय यदि अस्तित्व में आ गया तो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की पदोन्नति की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी सिविल सेवा और राज्य सेवा के अफसरों को मिलती है सुविधा। अभी मध्य प्रदेश के सिविल सेवा और राज्य सेवा के इन अफसरों को IAS, IPS, IFS, SAS, SPS, SFS को केंद्र सरकार के नियमों के तहत क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है। इसमें पदोन्नति में आरक्षण की बात नहीं होती है। एक निश्चित समय में सभी को अपने आप क्रमोन्नति का लाभ मिल जाता है, इससे उन्हें पदोन्नति दे दी जाती है। दरअसल अनारक्षित वर्ग के शासकीय सेवक काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें भी उच्च पदों पर क्रमोन्नति दी जाए। GAD के इस निर्णय से हजारों शासकीय सेवकों को क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। विभागीय मंत्री ने सभी विभागों को दिए निर्देश। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने शासन के समस्त विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों को उच्च पदों पर क्रमोन्नति दी जाती है, उसी प्रकार अन्य विभागों में भी उच्च पदों पर क्रमोन्नति दी जाए। इसके लिए विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करें। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के 9 मार्च 2020 को लिखे पत्र का हवाला देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम में आरक्षण के संबंध में राज्य शासन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील के संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी विभाग कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक पदोन्नति का प्रकरण उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS, IPS की तरह उच्च पद पर दी जाने वाली क्रमोन्नति अन्य विभागों में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।